नमस्कार, मैं रीनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि क्राइम ब्रांच धार व थाना मनावर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की नीयत से घूम रहा था, पिस्टल सहित गिरफ्तार। थाना मनावर थाना बाग क्षेत्र अंतर्गत लूट चोरी व नकबजनी की कुल 6 वारदातों का किया खुलासा। एक आरोपी सहित लूट चोरी व नकबजनी का माल खरीदने वाला सेठ भी हुआ गिरफ्तार। थाना बाग अंतर्गत बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ घटित लूट वारदात में भी आरोपी था घटना दिनांक से फरार। आरोपी व सेठ के कब्जे से 1.25 किलो चांदी के आभूषण, एक सैमसंग का मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिनकी कुल कीमत 2 लाख रुपए मशूका है जब्त की गई। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। और थाना मनावर ने एक संयुक्त कार्रवाई में एक जितेंद्र पिता अमर सिंह जाति भिलाला निवासी बरखेड़ा थाना बाग को गिरफ्तार किया है। इसको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया और पूछताछ पे इसका 6 पूर्व के अपराधों में इन्वॉल्वमेंट होना पाया गया। उन 6 अपराधों में 2 लूट के अपराध और 4 चोरी के अपराध हैं। और इसमें एक सेंसेशनल क्राइम सिंघाना में हुआ था, जहां एक बुज़ुर्ग दंपति के घर में घुस के जो है इनके द्वारा लूट डकैती की गई थी। और इससे इसके जो 6 साथी हैं जो बोरडाबरा गांव के रहने वाले हैं उनका नाम निकल के आया है, जिसमें भड़क सिंह, दिनेश उड़िया, वाकड़िया, तीखू और इड़िया नाम के लोग हैं। और इससे जो 6 मामले हैं उन 6 मामलों में का जो मशरूका है वो रिकवर किया गया है, जिसमें चांदी है, मोबाइल है, मोटरसाइकिल है। और इसने जिसको सामान बेचा था नसरू नाम का व्यक्ति गंदवानी का रहने वाला है, जो पूर्व में भी चोरी का सामान खरीदने के उसमें गिरफ्तार हो चुका है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है।